ब्रदर का नाम बलकार है और ये संगरूर के रहने वाले हैं। इस ब्रदर की गवाही जैसे बताते हैं कि इनके जो जमीन है वो 2.5 एकड़ है और जिसमें ये धान की खेती करते थे और जिस समय ये पहले धान की खेती करते थे तो ये बताते हैं कि इनका जो खर्चा था वो 5,000 आ जाता था, जो उसकी लवाई और जो उसके जो पोषक तत्व जो भी खाद लेनी होती थी। और ये बताते कि ये सब कुछ करने के बाद भी जो इनकी जब ये कटाई करते थे तो ये बताते कि जो उसकी कटाई करने के बाद जो उसका झाड़ होता था वो सिर्फ 70 क्विंटल ही निकलता था। पर जैसे इस बार इन्होंने ऐसे विश्वास किया प्रभु के ऊपर और पिछले दिन ही हमने इन्होंने बताया कि टेस्टामनी को सुना था, इस ब्रदर ने जो अपने ऐसे जो धान की खेती की थी तो परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, तो उस गवाही को जो ब्रदर ने रिसीव किया। और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने रिसीव किया तो इन्होंने अपनी धान की खेती को जैसे जो बूटे लगाए उस समय इन्होंने प्रार्थना की कि सच में परमेश्वर जे फसल जे आपके हाथों में, तो जे प्रार्थना करते रहे। और जे बता रहे कि जैसे इस बार इन्होंने कोई 5,000 का कोई खर्चा भी नहीं किया, बस परमेश्वर के हाथों में अपनी खेती को दे दिया। ये रोज रोज अपनी खेतों में जाकर प्रार्थना करते थे, तो जैसे उन्होंने अपनी खेती की कटाई की और इस बार इनका झाड़ जो निकला वो 80 क्विंटल हुआ। और ये कितना इनसे पूछते हैं बताओ, क्योंकि जय बताओ मसीह भाई। जय मसीह की, बताओ कितना झाड़ था आपका, पहले कितना था और अब कितना है? 70 क्विंटल जी, 70 क्विंटल टोटली। टोटल? हाँ जी, 2.5 किले। नहीं, आप मन कसके ऐसे बोल रहे थे ना, 70 मणा जी, किले जो 1 किले में से 70 मन। 70 मणा, मन कितने का? 1 किलो का मन कितने का होता है? 40 किलो जी। 40 किलो? हाँ, 40 किलो। हाँ, तो 1 किले से 70 मन निकला, तो ये 70 मन कितना हो गया? कैलकुलेशन करो तुम, कितना हो गया ये 70 मन का मतलब कितने क्विंटल हो गया? 2.5 क्विंटल, 2.5। 2.5 क्विंटल? क्यों जी, इतना झाड़ निकलता है? मुझे तो कोई, क्योंकि मैं खेती नहीं करता। हाँ, 18-19 निकलता है। क्यों जी, जो खेती करते हैं उन्हें पता होगा, मुझे तो नॉलेज नहीं इस बात की। आम जो 1 एकड़ की जमीन से जो धान की खेती है उसका जो झाड़ फल है उसका कितना निकलता है? 18-19, पर इनका कितना निकला? 28। पर क्या किया है ना, सुनो। और आप क्या कह रहे थे, ये बोल रही थी कि 5,000 लगता था आपका, क्या क्या चीज 5,000 का बताओ? 5,000 दे दे खर्चा कर दे अपना एक जी। किले के ऊपर किस हाँ जी, चीज का? अभी फसल ज्यादा निकल जाए। अच्छा, कुछ दवाइयां मेडिसिन वगैरह जो डालते थे हाँ जी, उसका 5,000 एक्स्ट्रा आप खर्चा करते थे 1 किले के ऊपर, हाँ जी, मतलब हर साल जी मैं 5,000 दा 1 एकड़ एक एक खर्चा। एक 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 किले 1 एकड़ के ऊपर है ना, 10 और 2.5, 12,500 रुपया आप एक्स्ट्रा उसके ज्यादा झाड़ लेने के लिए जो चीज करते थे है ना हाँ जी, पहले, और हाँ जी, अब आपने वो भी नहीं किया, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं किया, फिर ना जी, भी आपका जो झाड़ है कितना निकला? 70 मन? 80। नहीं, पहले पहले 70, सॉरी, पहले 70 निकलता था, अब 80। अब 80 का कैलकुलेशन करो कितना हो गया, ध्यान दो सॉरी, अब 80 का कैलकुलेशन करो, 40 से 80 को कितने क्विंटल है? जल्दी करो जल्दी, 32। देखो देख लो, परमेश्वर सोच से भी, लिखा मांगने से भी क्या करता है? ज्यादा करता है। शायद लगता मुझे जो लोग 5 किले से 5 एकड़ जमीन से जितना इकट्ठा करते हैं उन्होंने 2.5 से कर लिया है, मुझे लिए ऐसा लग रहा है। समझ आ रही है? क्योंकि वो परमेश्वर कौन है? कौन है वो परमेश्वर जो 5 रोटी और 2 मच्छियों से भी 5,000 लोगों को, बोलो क्या है, उनकी भूख मिटा सकता है? वहां भी तो सिर्फ 5 ना, अगर हम पूरा अनुमान लगाए तो करीब करीब वहां पे 15,000 लोग थे, और परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 15,000 लोगों को क्या कर दिया? और वही आशीष आज इनकी जमीन के ऊपर और इनके ऊपर है। और ये कैसे आई?
थोड़ा बताऊं ये कैसे आई। अब कौन कौन सी परमेश्वर की आज्ञा को पूरे करते हो बताओ मुझे। मैं परमेश्वर ने वादा किया सी प्रभु जी मैं कोई खर्चा नहीं करांगा, मैं तेरे वचन को पूरा करांगा। तेरे वचन जो लिखे है भी खेती का दसवंध है मैं तेरे पवन च दवांगा, ओदा बीज भी दवांगा, ते मैं खर्चा नहीं करांगा। मैं उस पर खर्चा नहीं करूंगा और अपनी खेती का जितना भी दशमांश है मैं परमेश्वर तेरे भवन में तेरे कामों में दूंगा। क्या दूंगा? समझ आ रही है? तो क्यों नहीं देगा? जिसका पहले ही मन नहीं है तो कैसे उसे देगा? जिसका मन नहीं है देने को, बोलो क्या है, जिसका मन है देने को परमेश्वर से देता है। क्योंकि पहले ही ना देखा, जैसा मन में ठानोगे परमेश्वर वैसी आशीष देगा। क्योंकि पहले ठान लिया ना परमेश्वर इस बार मैं तेरे लिए ये करूंगा, और जैसा मन में ठाना, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर देखता है। बोलो, और लोग भी खेती करते होंगे, मुझे पता कितने लोग होंगे जो खेती करते हैं मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर नहीं किया तो कुछ भी गवाही से भी नहीं खड़े हुए। और कौन लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, कौन आशीष को लेते हैं, जिसके वचन को पूरा करते हैं। और किया और ये आपके सामने, क्या ये आपके सामने, तारीफ करो जोर से अपने हाथों को उठाकर इसकी मुहैया करेगा आशीष के लिए और अपने आशीष के लिए। दोनों हाथों को उठाकर वो सबके लिए करेगा। मैंने कहा सबके लिए करेगा, जो उसके वचन को पूरा करेगा। मुहैया करेगा हालेलुया।